फाइनली गाइस रेंट वाला घर पसंद आ गया है। फिर से देख सकते हैं लाइट जल चुकी है, ये वॉशेशन है और इधर किचन। तो भाई चल रहे हैं मामू के यहाँ और समोसा ले लिया है, 10 समोसा अम्मी ने पैक करवा लिया है। हाँ जी भाइयों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। बाकी अब्बा लेटे हैं, अम्मी भी लेटी हैं। अम्मी ने नाश्ता रेडी कर दिया है और अरीबा नाश्ता लगा रही है। जफर भाई अभी अभी उठे हैं, मुँह हाथ धुलने गए हैं। चलिए भाई नाश्ता निकल रहा है, नाश्ता करते हैं। ये दाल बनी है और देखते हैं क्या क्या आता है। भाई देख सकते हैं मीठा अचार बहुत दिनों के बाद दिख रहा है और दाल है और ये सब्जी बनी है भिंडी की। चलिए भाई फौरन नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। भाई नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी हम अम्मी चल रहे हैं रेंट का मकान देखने और यहाँ से कहीं और शिफ्ट होंगे। यहाँ पे पानी वानी भर जाता है इसलिए भाई यहाँ पे दिक्कत होती है कई लोगों को। चलिए भाई अम्मी और हम अरीबा चलते हैं फौरन। बाकी अरीबा भी तैयार हो चुकी हैं, अम्मी गई हैं गेट खोलने और अब्बा और जफर नहीं जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। तो चलो भाई फटाफट करके बाइक निकालते हैं, अम्मी ने गेट खोल दिया है। बाकी अगर रास्ते में शूट नहीं कर पाएंगे वीडियो तो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि अकेले ही हम और दोनों हाथ से बाइक चलाना पड़ेगा क्योंकि अम्मी भी है साथ में, अरीबा भी है, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेंगे। लोकेशन पे पहुंच के आपसे मिलेंगे। चलिए गाइस घर पे पहुंच चुके हैं और बच्चों के लिए इतना ज्यादा सामान ले लिया है, तो चलो भाई देखते हैं। फोटो बताएं। तो भाई अंदर आ चुके हैं, ऐसे ही प्रकार से कुछ भी लेके जा सकते हैं आप, यहाँ कोई रहता नहीं है। तो चलो भाई अंदर सामान दुआ करते हैं सभी से, उसके बाद मुलाकात करते हैं, फिर जैसा भी होता फिर बताते हैं। अमानू है और अमानू यहाँ क्या बोलोगे? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं शक्ति है मेरी, लाइक करो। कैसे बोलोगे? कहो कहो, लाइक कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो ये अमान है, अपना नाम बताइए। मोहम्मद अमान। मोहम्मद अमान इनका नाम है। चलो भाई अमान से मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, उसके बाद चलते हैं। सामान कौन लाया? छोटी नन्ना। छोटी नन्ना, छोटी नन्ना को लाइक करते हो? चलो भाई फटाफट करके खा लो जल्दी से और सारा सामान पन्ने में रख लो। फाइनली गाइस सारा नाश्ता लग चुका है, मेरी माई शिप्पी ने लगाया है चिप्स बिस्किट वगैरह वगैरह सब कुछ। अमान आओ खाओ। क्या खा रहे हो? चिप्स। अच्छा, और एक भाई साहब यहाँ बैठे हैं। चलो भाई रेंट वाला घर देखने चलते हैं और नीचे उतर रहे हैं आराम आराम करके सीढ़ी ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। सनी भाई है, सनी भाई से मुलाकात हो गई, बाहर चलते हैं। मम्मी लोग सारे लोग बाहर आ चुके हैं और ये दरवाजे में एक लॉजिक है, इसको चाहे यूं करके जितना भी खोलिए खुलेगा नहीं, लेकिन इसको यूं करेंगे खुल जाएगा। सामान को गाड़ी बैठा लिया है और घर से निकल रहे हैं। बाकी अम्मी लोग आगे जा रही हैं, दिखा नहीं सकते हैं, ऑटो के आगे हैं। तो चलिए भाई गाड़ी को बैक करते हैं, उसके बाद चलते हैं। अम्मी लोग आगे चल रही हैं देख सकते हैं आप, और एक हाथ से शूटिंग एक हाथ से बाइक चला रहे हैं। तो चलो भाई लोकेशन में पहुंच के मिलते हैं। तो भाई महेश अपनी लोगों को यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं और पता कर रही हैं। बाकी हम अम्मी और अमान एक गाड़ी पे हैं और देखने वाले हैं रेंट वाला घर, और जैसे ही देखेंगे वैसे ही आपको भी दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। फाइनली गाइस रेंट वाले घर के सामने आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा गली में है भाई, बहुत थक गए यार, हाथ हाथ दर्द होने लगा। और ये रहा मेरा रेंट वाला दूसरा वाला घर, देखते हैं अगर पसंद आता है तो फिर ठीक है, नहीं पसंद आता है तो कहीं और देखा जाएगा। बाकी आप देख लीजिए कुछ इस तरह से है और अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ इस तरह से है किचन। ये सब कुछ तो भाई ये छत है देख सकते हैं आप, इस तरीके से छत है और पूरा ये सारा हम लोगों के यूज़ में रहेगा अगर हम लोग लेते हैं तो। ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है, उसके बाद ये बाहरी कमरा है देख सकते हैं आप, बहुत छोटा छोटा है। बाकी आपको हम दिखा देते हैं पूरे आप प्रॉपर अच्छे तरीके से। एक देखें नॉर्मल तरीके से जैसे आदमी चलता है वैसे हम बता देते हैं, एक कदम दो कदम तीन कदम चार कदम पाँच कदम का कमरा है भाई। ये रूम तो शुरू होते खत्म हो गया है। और ये किचन है खुला हुआ और ऊपर मतलब छत टाइप का है, और इधर भी ये सब सारा चीज़ है। ये भी रूम है और यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखे हैं रूम में, कपड़ा वगैरह रख सकते हैं आप अच्छे से। और ये है किचन और इधर भी ऐसा कुछ गलियारा टाइप का है मान लीजिए,
और इधर छज्जा है, दो छती है, बाकी सारा सामान ऐसा कुछ रखा हुआ है। बाकी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा अंदर है, बहुत गली में है, तो देखते हैं अगर हम लोगों को पसंद आता है और घर पे चलेंगे बातचीत होगी, यहाँ पे तो कोई बातचीत नहीं होगी, जैसा भी होता फिर बताते हैं। भाई चल रहे हैं भाई शप्पी के यहाँ, बाकी रेंट वाला घर देख लिए हैं और यहाँ पे सामने दुकान भी है, तो चलिए भाई आगे से गली गई है, उधर ही सब लोग गए हैं, तो चलिए चलते हैं फौरन। भाई फाइनली आ चुके हैं घर, हम और अमान, अम्मी, ये रहे अमान। चलो भाई घर को खोलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ धूप निकली है, और आराम से चलते हैं। ये देखिए ये देखें, ऑटो अब बंद है, घंटी बजा दो। भाई घर पे सारे लोग आ चुके हैं और एसी चल रही है, अब थोड़ा सुकून मिल रहा है। चलो बैठे हैं, एसी हवा थोड़ा खाते हैं, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। खाना निकल चुका है, कैफी भाई लेकर आए हैं कबाब पराठा, बहुत परेशान हो रहे हैं। ये रहे हमारे कैफी भाई, आइए आइए खाइए। भाई अमान मार खा गए, अमान इधर आओ अमान। बाकी कबाब यार बहुत ज्यादा महक रहा है, और कैफी भाई का दिल से शुक्रिया। कैफी भाई इधर तो देख लीजिए, कुछ बोल दीजिए। तो भाई खाना वाना खा लिया है, बहुत बढ़िया लगा, और कैफी भाई तो हमसे पहले उठ गए, पता नहीं कितना खाते हैं, इतनी बड़ी शरीर है तब भी माशाल्लाह। बिमल बोलो जुबान केसरी। चलिए भाई बैठते हैं, देखते हैं अभी कितनी देर बैठना पड़ेगा, उसके बाद चलते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज। चलो भाई आराम आराम चलते हैं नीचे। चलो भाई घर के बाहर आ चुके हैं, बाइक मेरी वो खड़ी है, अमान भाई ये हैं। अमान भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नहीं, चलो भाई। फाइनली गाइस मामू के पास आ चुके हैं, नींबू पार्क के पास मामू खड़े थे और यहाँ पे आ चुके हैं, बाकी आप देख सकते हैं मामू ये खड़े हैं। तो चलिए भाई मामू भी कहीं दिखाने वाले हैं रेंट वाला मकान, तो चलिए मामू वाला भी देख लेते हैं, रेंट वाला जो मकान दिखाने वाले हैं, अगर वो पसंद आता है तो उसको भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। भाई बाइक को यहाँ पे खड़ी कर दिया है, देख सकते हैं आप रोड के बगल में किनारे, और अभी अम्मी लोगों का वेट कर रहे हैं। अम्मी लोगों के पास फ़ोन भी नहीं है, ना रीबा के पास फ़ोन है, क्या ही बताएं यार। बाकी देख रहे हैं अम्मी कहाँ हैं, वेट कर रहे हैं अम्मी दिख जाएं। भाई अम्मी दिख नहीं रही हैं, ना ही अरीबा दिख रही हैं कि कोई दिख जाए और फिर हम उनको लेके चलें, लेकिन अब चलना पड़ेगा आगे, बाइक के पास चल रहे हैं फौरन। बाइक के पास चलते हैं, बाइक को उठाते हैं, उसके बाद चलते हैं फौरन पीछे जहाँ पे अम्मी को छोड़ा था, शायद वहाँ पे रुकी हूँ अम्मी। भाई ये रहा नींबू पार्क, बगल वाला जो है नींबू पार्क है, और अम्मी को यहीं कहीं छोड़ा था, लेकिन अम्मी यहाँ पे है नहीं यार, क्या ही बताएं। फाइनली अम्मी लोगों को बैठा लिया है और बाकी आगे मामू है, तो चलिए सीधे चलते हैं लोकेशन पे, रेंट वाले मकान देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप यही है दूसरा वाला रेंट वाला घर, तो चलिए भाई अंदर देखते हैं कैसा है। तो भाई एंट्री करते ही जीना है बगल में, उसके बाद फिर ये हॉल टाइप का है और थोड़ा ऊपर खुला है, ये है और ये टॉयलेट है, बेसिन भी है, और ये शायद किचन है कि रूम है ये भी, और ये थोड़ा से ऐसे करके है, उधर साइड में किचन है, और ये एक रूम है ये भी, ये देखिए रूम है, दो छती भी दी गई है, ये बाथरूम है और ये किचन है, ये किचन है। भाई दूसरा वाला भी घर देख लिया रेंट वाला, और चलिए फौरन चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। तो भाई चल रहे हैं मामू के यहाँ, और समोसा ले लिया है, 10 समोसा अम्मी ने पैक करवा लिया है, और इसको चलो अरीबा को दे देते हैं। बाकी यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना खतरनाक आ रहा है भाई साहब, और मामू का घर इधर ही है मेरे हुसैनाबाद के अंदर। चलिए भाई चलते हैं घर हुसैनाबाद, उसके बाद मिलते हैं आपसे। भाई इसी रास्ते पे है मेरे मामू का घर, चलिए आज आपको दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिए, बताइएगा मामू का घर ज़्यादा अच्छा था कि अप्पी का घर ज़्यादा अच्छा है। बाकी चलिए अभी आपको दिखाते हैं हुसैनाबाद के अंदर, एंट्री मार चुका है आपका भाई। भाई फाइनली पहुँच गए हैं लोकेशन पे मामू के यहाँ, और यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं, और ये रही भाई की बुलेट, एक याली बुलेट है भाई की, और दूसरी वाली अगर खड़ी होगी वो भी दिखाते हैं, बाकी दूसरी शायद खड़ी नहीं है, और ये स्कूटी है, ये दोनों भी स्कूटी है। बाकी आप सारी लोकेशन देख सकते हैं, ये मेरे मामू का घर है और ये सब बनवा दिए हैं भाई ने, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरा मामू का घर है, बाकी आप देख सकते हैं ऊपर तक। तो चलिए भाई अंदर चलते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई गजूर वजूर आ चुका है नाश्ता, बाकी अम्मी है मामू है, चलो भाई नाश्ता करते हैं उसके बाद मिलते हैं। भाई चाय वाय पी लिया है, तो चलिए ऊपर चलते हैं, हनीफा भाई हैं मेरे, उनसे मिलते हैं। हाँ हनीफा भाई, हनीफा भाई चलिए भाई फौरन चलते हैं दूसरा रेंट वाला, तीसरा रेंट वाला मकान देखने के लिए, जैसा भी होता है आपको भी दिखाते हैं। बाइक के पास आ चुके हैं,
तो चलो बैक करते हैं बाइक को और जहाँ मम्मी जान ले चलती है वहाँ चलते हैं। भाई मामू आगे चल रहे हैं, मामू कहीं दिखाने चल रहे हैं रेंट वाला मकान, तो चलिए भाई फौरन चलते हैं, देखते हैं जैसा भी होता है आपको भी दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। टॉयलेट और ये रूम बेसिंग एरिया है और किचन है, ये बहुत शानदार लग रहा भाई। ये रूम बाहरी रूम कह सकते हैं जाजू, बहुत अच्छी जगह पे। फिर से देख सकते हैं लाइट जल चुकी है, ये वॉशबेसिन है और इधर किचन भी है, देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दूसरा रूम, ये भी बाहरी रास्ता है कुछ। फाइनली गाइस रेंट वाला घर पसंद आ गया है, जो घर अभी दिखाया आपको, जो घर अभी आपने देखा बहुत अच्छा लगा। बाकी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं फौरन घर, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस आ चुके हैं घर, मम्मी दरवाज़ा खोल लेंगे, देख सकते हैं रात हो गई है भाई, दोपहर से निकले हैं, सुबह से निकले हैं, रात हो गई है, रात में घर आए हैं भाई। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं, वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा व्लॉग कैसे लगा। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।